सरकार के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत नई रिफंड अथॉरिटी को बनाने पर विचार किया जा रहा है ताकि जीएसटी का रिफंड जल्दी से दिया जा सके। आज की डेट में यदि आप जीएसटी का रिफंड अप्लाई करते हैं तो दो रिफंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैं, एक सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत और एक स्टेट टैक्स के अंतर्गत। लेकिन नया जो सिस्टम होगा वो अगस्त 2019 से लागू होने की उम्मीद है। इस नए सिस्टम के अंतर्गत जो वर्किंग की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू के द्वारा, उसमें जैसे ही आप रिफंड अपने जुरिडिक्शनल ऑफिसर के पास फाइल करेंगे तो वह ही आपके रिफंड को प्रोसेस कर देगा और उसके बाद बैकएंड पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में उस रिफंड की सेटलमेंट करेंगे। आज की डेट में यदि कोई टैक्सपेयर जीएसटी के रिफंड के लिए एप्लीकेशन लगाता है तो उस केस में यदि एप्लीकेशन सेंट्रल टैक्स ऑफिसर के पास लगाई गई है तो वो अपना 50% रिफंड सैंक्शन कर देता है और बैलेंस 50% स्टेट टैक्स ऑफिसर को सैंक्शन करना होता है। इसी प्रकार यदि आपने एप्लीकेशन स्टेट टैक्स ऑफिसर के पास लगाई है तो वह भी रिफंड 50% ही सैंक्शन करता है और 50% रिफंड सेंट्रल टैक्स ऑफिसर के द्वारा सैंक्शन किया जाता है। लेकिन जब नई सिंगल मैकेनिज्म आ जाएगा रिफंड को प्रोसेस करने के लिए तो उस केस में एक ही रिफंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगी, यानी कि भले ही आप रिफंड के लिए सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट के पास अप्लाई करें या फिर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के पास, है वह रिफंड को सैंक्शन कर देगा और उसके बाद जो रिफंड होगा वो दो अथॉरिटीज़ के बीच में आपस में सेटल कर लिया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में उस रिफंड को बाद में बैकएंड पर सेटल करेंगी। इससे जो रिफंड को सैंक्शन करने में डिले होता है उसे रोका जा सकेगा, क्योंकि आज के टाइम में रिफंड को सैंक्शन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है जिससे कि टैक्सपेयर को बहुत सी असुविधा होती है। जीएसटी काउंसिल के द्वारा टैक्सपेयर को असाइन किया गया है स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के पास या फिर सेंट्रल टैक्स डिपार्टमेंट के पास। 90% एसएससी स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट के पास असाइन किए गए हैं, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से नीचे है एनुअल टर्नओवर, और इससे ऊपर के एसएससी को सेंट्रल टैक्स ऑफिसर के पास असाइन किया गया है। जो 10% से ऊपर के टैक्सपेयर हैं उनके ऊपर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट 50-50% जो कंट्रोल है वो एक्सरसाइज करती है। एक्सपर्ट का ये मानना है कि सिंगल जब रिफंड अथॉरिटी बन जाएगी तो उसके बाद बिजनेस को करना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आसानी से रिफंड मिल जाएगा और जो वर्किंग कैपिटल गैप है वो कम हो जाएगा। आज की डेट में आप जीएसटी का रिफंड ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया है जो कि फिल करना है। आज की डेट में जीएसटी का रिफंड कई सिचुएशन में क्लेम किया जा सकता है, जैसे कि यदि आप गुड्स या फिर सर्विस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या फिर डेवलपर को सप्लाई कर रहे हैं, या फिर यदि आप डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहे हैं सप्लाईज़ का, या फिर यूनाइटेड नेशन या फिर एम्बेसीज के केस में यदि सप्लाई की गई है, या फिर यदि किसी जजमेंट की वजह से आपका रिफंड ड्यू हो जाता है। इसके अलावा यदि आपके आउटपुट सप्लाई के ऊपर जीएसटी का रेट कम है और इनपुट के ऊपर जीएसटी का रेट ज़्यादा है, यानी कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट जब फाइनल होती है तो उस केस में रिफंड यदि आपका ड्यू होता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने एक्सेस जीएसटी पे कर दिया है गलती से तो उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। यदि आपने एडवांसेस पर जीएसटी पे कर दिया है और सप्लाई नहीं होती है तो उस केस में आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप गलती से इंटरेस्ट या सप्लाई कर देते हैं और को ट्रीट करके जीएसटी पे कर देते हैं और बाद में आपको पता लगता है कि वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई थी और आपको आईजीएसटी पे करना था, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपने गलती से इंटरेस्ट रेट सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे कर दिया और बाद में आपको पता लगता है कि वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई थी, यानी कि आपको सीजीएसटी और आईजीएसटी पे करना था, तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं। आपको आज की जीएसटी की न्यूज़ कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। अगली वीडियो हमारी किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए इसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जीएसटी टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।